पांच साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जुनैद साहब, मैं आपसे ये जानने की अब कोशिश करूंगा, दो चरण संपन्न हो चुके हैं तो क्या इन दो चरणों के आधार पर हम ये अंदाजा या फिर आंकलन कर सकते हैं कि अब ये जो हवा है वो किस तरफ जा रही है, या फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि अभी तीसरा चरण आना है उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी। देखें, जहां तक दो चरणों का ताल्लुक है, दो चरणों की खास बात तो ये है कि इन दोनों चरणों में आप वोटर के माइंड को रीड नहीं कर सकते कि वोटर के जहन में चल क्या रहा है, वो क्या किसको वोट देकर आ रहा है। मगर एक बात तो साफ है इन दोनों चरणों में कि रजौरी पुंछ के इलाके में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्यू एंट्रेंट है। लेकिन न्यू एंट्रेंट इस वक्त 8 की 8 सीटों पर टक्कर में है। इसी तरीके से अगर हम डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात करें, सभी सीटों के ऊपर बीजेपी की टक्कर है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें रियासी की, उस जिले में भी यही सूरत हाल है। तो कहने का मतलब यह है कि इन दो चरणों में एक बात तो साफ हुई है कि वो दल, जो दल एक समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव विपक्ष में बैठने के लिए लड़ता था, अब इस बार चुनाव वो सरकार बनाने के लिए लड़ रहा है। एक दूसरा, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा करती थी अब उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी नेशनल लेवल पर जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हुए हैं, वो डिस्कोर्स को तब्दील करने में कामयाब हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आज उन मुद्दों के ऊपर बात कर रही हैं जिन मुद्दों के ऊपर वो कभी बात नहीं किया करते थे। और तीसरा, इंडिपेंडेंट्स हमेशा जम्मू कश्मीर की राजनीति में रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़े हैं, लेकिन कभी वो क्षेत्रीय दलों को चुनौती नहीं दे पाए। ठीक है, कि आप उनको लेकर कहें कि देखें जी ये खतरनाक है, इनको खड़ा किया गया है हमको कमजोर करने के लिए। लेकिन परिवर्तन ये भी है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जितने भी हमारे दल हैं जो यहां सत्ता में लंबे लंबे समय तक रहे हैं, उनको डर इंडिपेंडेंट से लग रहा है, उनको डर उन लोगों से लग रहा है जिन लोगों को कल तक वो पेटनाइज कर रहे थे, जिन लोगों की को कल तक वो लोग मानते थे कि ये बड़े इंपॉर्टेंट और सेंट्रल फिगर्स हैं जम्मू कश्मीर में, आज उन्हीं से उनको डर लग रहा है। यानी कल तक कौन जमात इस्लामी को पेटनाइज कर रहा था सब जानते हैं, आज उन्हीं को डर लग रहा है कि जनाब ये देखिए ये इनको पेटनाइज कर रहे हैं। किंग मेकर की भूमिका में है इंडिपेंडेंट। देखिए, ये तो 8 को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो जैसे मैंने आपको बोला, पोजिशन ये है कि इस समय की पोजिशन ये है कि डिस्कोर्स ऑल्टर हो चुका है और कहानी बिल्कुल जम्मू कश्मीर में साल 2024 में बदली हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास बातें खास तौर पर जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रगति पर हैं, दो चरण संपन्न हो चुके हैं, तीसरे चरण के मतदान 1 अक्टूबर को होने हैं और 8 अक्टूबर को ये तस्वीर साफ होगी और 10 साल के इस लंबे इंतजार के बाद एक नई सरकार बनकर आएगी और नए नए रिप्रेजेंटेटिव लोगों के सामने आएंगे। इंतजार थोड़ा सा और करना पड़ेगा, लेकिन सभी की दिलों की धड़कनें तेज हैं, उत्साह और उमंग चरम पर है। आज के लिए गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और मेरे सहयोगी को बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुश हो माँ? क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।